क्वेश्चन में दे रखा है इंट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5, साइन पी कास पी और टेन पी की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहां पर जो भी ट्रेंगल दे रखा होता है, पी क्यू आर एक ट्रेंगल दे रखा है, इस ट्रेंगल में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट करना कि कहां पर वो 90 डिग्री है, तो इन्होंने कह रखा कि क्यू पे 90 डिग्री है, तो एक रफली फिगर आप बना लीजिए यहां पर, ये 90 डिग्री का ट्रेंगल क्यू पे 90 डिग्री है, तो क्यू बीच में लिखिए। अब यहां चाहे पी लिखिए यहां यहां लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहां पी लिख देते हैं क्यू और ये आर, आप चाहे तो यहां पी लिख सकते हैं और यहां आर लिख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान दीजिए कि 90 डिग्री किस पे है। ये हो गया। अब इस ट्रायंगल के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, लेकिन इस जो गिवन डाटा है इसको सबसे पहले यूज कैसे करना है ये समझ लेते हैं। तो ये पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, यहां से अगर हम लोग पी आर की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, बस इतना निकाल के आप छोड़ दीजिए। अब इस ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रेंगल में हमको राइट एंगल ट्रेंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो ये इसका बड़ी साइड मतलब बड़ी भुजा जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो ये आ जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए आप यहां आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू इक्वल यहां पर देखिए पी आर की वैल्यू आपने निकाला है 25 क्यू आर, इसकी वैल्यू यहां पर रख दीजिए 25 क्यू आर, और इसका करना पड़ेगा आपको स्क्वायर, यहां से आपको पी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर लिखा है तो लिख लीजिए। अब देखिए ये लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, ए माइनस एक बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। यहां पर अप्लाई कीजिए a का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, क्यू आर यहां देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू 2 और दोनों का मल्टीप्लाई हमने कर दिया इक्वल टू, ये जो जैसे लिखा है ऐसे ही इसको लिख लीजिए, यहां से आ जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 50 क्यू आर, 50 क्यू आर इक्वल टू यहां से देखिए आपका ये आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर, ये क्यू आर और यहां भी क्यू आर है तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये 625 है और ये PQ है, ये PQ यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए आपको PQ की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, इस वैल्यू को यहां पर यूज कीजिए 5 का, तो यहां पर हम लोग इसकी जगह पर 5 यूज करते हैं, ये आ जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 5 या 25, ये 25 है। अब देखिए इस 25 को मैं इधर लेकर आ रहा हूं और इस 50 क्यू आर को उधर लेकर जा रहा हूं उस साइड आरएचएस, यहां से देखिए 625 माइनस में 25 आ जाएगा, अगर इस वैल्यू को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 50 क्यू आर, 50 क्यू आर लिख सकते हैं, इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए, यहां से आ जाएगा आपका क्यू आर इक्वल टू, क्यू आर इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 600 अपॉन में 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 60 को कट करेंगे तो आ जाएगा 12, तो आपका यहां से आंसर आता है क्यू आर इक्वल टू 12, क्यू आर इक्वल टू 12 आ गया। अब इस क्यू आर की जो वैल्यू है, ये जो 12 आया हुआ है इसको आप वैल्यू पुट कर लीजिए इक्वेशन में जो यहां पर दिया हुआ था ये इसमें, तो यहां पर मैं पुट करके आपको दिखाता हूं क्या आएगा, पी आर इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 12, क्योंकि कुछ नहीं करना है ये इसकी क्यू आर की वैल्यू है, इसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 से, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 13, तो ये पी आर की वैल्यू आपकी 13 आ गई, आपसे जो पूछा जा रहा था निकाल लीजिए। साइन पी, पी है तो साइन पी के लिए अब यहां पर वैल्यू रख लीजिए, देखिए ये क्यू आर की वैल्यू है, क्यू आर की वैल्यू 12 है,
और ये पी आर की वैल्यू है, तो पी आर 13 आया हुआ है, पी क्यू पहले से दे रखा था 5। ये वाला एंगल है आपका, यहां पर पूछ रहे हैं ये साइन पी, तो साइन पी पूछ रहे हैं, तो ये तो इसका बेस हो गया यानी इसका आधार हो गया, और ये इसका लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 12। लंब बटे कर्ण होता है, तो 12/13 आ जाएगा, या इंग्लिश में बोले तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। इसी तरीके से कास पी कह रहे हैं, तो पी ए है तो यही बेस है, तो ये 5 आ जाएगा और ये अपॉन में 12 आ जाएगा, यानी कास पी की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। टेन पूछा जा रहा है, टेन पी, तो टेन पी में आपको पता होना चाहिए यही जब एंगल पी है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यानी 12 और बेस की वैल्यू 5 है, तो 12/5 इसका आंसर आ जाएगा।